तो भाई हमारे यहाँ पर जो Realme 3 Pro है भाई लीक हो गया पूरा का पूरा, पूरी वीडियो डल चुकी है यहाँ पर भाई हैंड जोन के साथ। और हमारे जो यार फेलो यूट्यूबर्स हैं यहाँ पर संचित भाई, उन्होंने यहाँ पर पूरी वीडियो डाल दिया। अब वो किस वजह से डाली है, कैसे डाल दी उन्होंने, उन्होंने बोला भाई फोन रोड पे पड़ा हुआ मिला, लेकिन ऐसे मुझे लगता नहीं है रोड पर फोन पड़ा हुआ मिलता है। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर यार, 22 तारीख को ये फोन लॉन्च होने वाला था और आज यार 4-5 दिन पहले यहाँ पर पूरी वीडियो यहाँ पर Realme 3 Pro की, जो यहाँ पर पूरा पूरा यहाँ पर फोन की वीडियो सामने आ चुकी है और इसमें आपको पूरी स्पेसिफिकेशन सब कुछ, इवन कैमरा सैंपल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यार आज की वीडियो में यार स्पेसिफिकेशन तो आपको पता लग जाएगी, आप जाके वीडियो चेक कर लेना, उसका मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन यार स्पेसिफिकेशन वाइज मुझे ये फोन ठीक ठाक फोन लग रहा है, जैसा उस वीडियो में यार संचित भाई बोल रहे हैं कि यार बहुत जबरदस्त फोन है, बहुत अच्छा कैमरा है, इस तरह लग रहा है जैसे भाई आईफोन एक्स को बीट कर दिया। तो इतना अच्छा भी फोन नहीं है, बहुत सारी उसमें कमियां भी हैं तो वो उन्होंने उसमें बताई नहीं है। अब इस वीडियो का यार मोटिव जो क्या हो सकता है यार इसको डालने का, पहली चीज़ तो यार डेफिनेटली यार एक यहाँ पर एक्सक्लूसिव कंटेंट है, आपको एक फ़ोन मिला है, फोन अब वो बोल रहे हैं भाई रोड पे पड़ा हुआ मिला है, लेकिन रोड पे पड़ा हुआ फोन ये बात कुछ हजम करने वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं से किसी तरह से हो सकता है यार फाइट वाइट हो रखी हो रियलमी से उनकी खुद की पर्सनली, और यहाँ पर उन्होंने वो जो फ़ोन है यहाँ पर उस गुस्से में यहाँ पर डाल दिया हो पहले से ही। अब फ़ोन मिला या नहीं मिला उनको पहले से वो पता नहीं है, शायद अगर मिला होता तो शायद ये नहीं डालते, क्योंकि एक एम्बार्गो होता है और इस एम्बार्गो के उसके ऊपर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई लीक्स नहीं डाल सकते हो, कोई फ़ोन नहीं डाल सकते हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली यार संजीत भाई को फ़ोन नहीं मिला होगा, तभी उन्होंने यहाँ पर किसी से यहाँ पर फ़ोन बोरो करके यहाँ पर उन्होंने जो है पूरी की पूरी वीडियो अब सामने डाल दी है। और इस वीडियो में यार फोन जो है काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल बेकार फोन है, काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। और जितने भी लीक्स अभी तक थे ऑलरोस हम सबको पता लग चुके थे, मैं इवन खुद भी सोच रहा था यार उस लीक्स को लेकर यार एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन जब मैं सोच रहा था यार इस वीडियो को डालने की, तभी यार जो संजीत भाई ने उन्होंने पहले से यहाँ पर एक वीडियो डाल दी और काफ़ी हद तक जो सारी स्पेसिफिकेशन है एकदम एक्जैक्टली सेम है। और अगर मैं बात करूँ अभी Realme की, तो यार Realme ने अभी जो कुछ दिन पहले यार टेक्निकल गुरुजी के साथ भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी यार बहुत सोच समझ के यहाँ पर कहीं जगह पर उन्होंने फोन को रिवील तक नहीं किया था। तो डेफिनेटली ये Realme 3 की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है, Realme की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर एक फोन लीक करवाया हो। लेकिन यहाँ हो भी सकता है, क्या पता ब्रांड करवा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि अगर उनको कराना होगा तो वो भाई टेक्निकल गुरुजी से यहाँ पर पहले उनके लीक करवा देते या फिर पहले से यहाँ पर एक वीडियो बनवा देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यार इस तरह की जो वीडियो यार संचित भाई ने डाली यार, मुझे लगता है कि यार मुझे नहीं लगता कि यार इस तरह की वीडियो डालनी चाहिए थी, चाहे वो ब्रांड से किसी भी तरह की उनकी नोकझोंक हो या फिर कहीं पर भी, शायद ये फोन सच में ही पड़ा हुआ मिला हो जहाँ पर रोड पर पड़ा मिला हो, तो वो जो कि डाउटफुल है यार ऐसे रोड पर पड़ा हुआ कितने लोगों को फोन मिलता है, और जब आप टेक यूट्यूबर हो गए आपको एक रोड पर फोन पड़ा मिला और वो भी वो जो अभी लॉन्च होने वाला है, तो ये थोड़ा सा यार बात हजम करने में मुझे लगता है कि पचाने में थोड़ा सा यहाँ पर मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी शायद होगी और Realme 3 को भी शायद होगी, Realme को भी होगी। अब यार फोन है रोड पे पड़ा हुआ मिला हो या फिर किसी दोस्त से बोरो किया हो, इस तरह की वीडियो यार मुझे लगता है कि इस तरह से यार नहीं डालनी चाहिए। अगर डाल भी दिए लोगों के लिए यार अपने क्लिक्स के लिए या फिर व्यूज़ के लिए, तो वो मुझे लगता है यार कि संचित को खुद आगे देखना चाहिए कि उसको ब्रांड से किस तरह से अब रेपुटेशन बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि यार इन द एंड हमें यार बहुत सारी चीज़ें ब्रांड से भी मिलती हैं, फोन्स पहले से मिल जाते हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है। इस बार तो हो गया, हर बार नहीं होने वाला ये चीज़ कि उनको कहीं रोड पे फोन पड़ा हुआ मिल जाएगा। अब यार एज ए यूट्यूबर मैं बोलूँगा कि यार हम लोगों के लिए अच्छी चीज़ है कि भाई ये इस तरह का कोई लीक सामने आता है, इन्फॉर्मेशन अगर किसी फोन के सामने आती है तो अच्छी चीज़ ही होती है, लेकिन पूरे की पूरी जो वीडियो है, पूरी पूरी जो फोन की लीक है वो सामने आ गए हैं। अब उसका मोटिवेशन क्या हो सकता है, मोटिव क्या हो सकता है वो हमें पता नहीं, लेकिन यार मैं किसी तरह से भी, मेरी दुश्मनी नहीं है संचित भाई से, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, मैं आज से कभी मिला भी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह की यार उनकी वीडियोज़ रहती हैं बहुत ही ज़बरदस्त रहती है यार, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं खुद इनकी वीडियोज़ बहुत देखता हूँ, लेकिन इस तरह की यार वीडियोज़ मुझे लगता है कि नहीं डालनी चाहिए थी। अब लेकिन यार यहाँ पर डाली है तो किस वजह से डाली है वो शायद वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, मगर फिर भी हम लोगों के लिए फायदा है, यहाँ पर लीक्स के बारे में हम बात कर रहे थे तो यार डिस्कस करते हैं। और अगर वीडियो नहीं देखी है जाके देख लो यार, संजीत भाई की बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, दिखने में बहुत ज़बरदस्त फोन लग रहा है और बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, तो जाके चेक कर लो जब तक वो अपलोडेड रहती है, अगर डिलीट हो जाती है तो बैड लक, लेकिन अगर अभी भी है वो तो आप जाके चेक कर लेना। और आपके क्या ओपिनियन है यार इस फोन के बारे में या फिर इस वीडियो के बारे में, लीक के बारे में, वो भी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, साथ में आपको हमारा चैनल पसंद है, आप चाहते हैं यार मैं इस तरह की और वीडियोज़ लेके आऊँ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो भाई हम मिलेंगे यार इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं अपन आपको मिलूंगा अगली बार।